गॉड हैज़ ऑलवेज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। आप जब उसकी दी हुई परीक्षा में पास होते हैं तब जाके बहुत बड़ी सफलता मिलती है। मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूँ। आइए बात करते हैं 11 में से उन 7 खिलाड़ियों की जिनके लिए गॉड के पास कुछ अलग ही प्लान थे। सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ पंत की। धोनी के बाद अगर सबसे कोई स्ट्रॉन्ग विकेट कीपर है तो वो है ऋषभ पंत। 2023 के वर्ल्ड कप से ठीक पहले, एक साल पहले, उनका एक्सीडेंट होता है। अनफॉर्चुनेट था, बट वो घर पे बैठते हैं, टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और उसके बाद जो अंदर से पेशेंस आता है वो बैठ के पेशेंस सीखते हैं। ही वॉज सेव्ड फॉर ईयर 2024 एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 2 पे बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। 2021-22 के फेज में वो तकरीबन 1.25 साल के लिए इंजर्ड होते हैं। लोग उनको बहुत ट्रोल करते हैं, मुझे आज भी वो कमेंट याद है जब लोग उनको बोलते हैं कि बुमराह अब तो आ जा, उनके अंदर वो ट्रोलिंग, वो पेन वो सह रहे थे, इससे वो पेशेंस सीख रहे थे, वो तैयार हो रहे थे बुमराह 2.0 के लिए। एंड ही वॉज सेव्ड फॉर ईयर 2024 एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमें T20 में चिंता नहीं होती है कि सामने वाली टीम को 20 ओवर खिलानी है, हमें पता है हमें 16 ओवर ही खिलानी है बिकॉज 4 ओवर तो बुमराह की, पर बुमराह कुछ ना कुछ तो करके देंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे अंडररेटेड कुलदीप यादव की। आपको याद है बीच में वो 2 साल जब टीम में सिलेक्शन तो दूर की बात है, उनको IPL में 11 में नहीं खिलाया जाता था और उसके बाद वो प्रिपेयर हो रहे थे कुलदीप यादव 2.0 वर्जन के लिए। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और उसके बाद फिर भी हम हार गए, बट ही वॉज सेव्ड फॉर ईयर 2024 एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 4 पे हार्दिक पंड्या। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। उनका 2.0 तो खतरनाक था ही, गुजरात के लिए 2 साल बहुत बढ़िया रहे। वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले उसके बाद इंजर्ड हो गए। जब आप टीम में नहीं खेलते हो तो अंदर से पेन आता है, वो पेन उन्होंने सहा और उसके बाद जब वो मुंबई के कैप्टन बने और उसके बाद जो ट्रोलिंग शुरू हुई, शायद वो मुंबई में जीत जाते तो ये वर्ल्ड कप हम ना जीत पाते, बट वो पेन मल्टीप्लाई होता गया होता गया होता गया। और अब देखिए हार्दिक 3.0 जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 5 रोहित शर्मा। 2007 से 2024 लाइफ इज अ सर्कल, वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद जब वो खुद कैप्टन बने तो एक भूख थी। इंडिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो 97 पे भी परेशान नहीं होता, 47 पे भी परेशान नहीं होता, बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट 50s एंड 100s, ही ऑलवेज केयर्स अबाउट हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूटेड। बट फिर भी 2023 में इत्तू से रह गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हमने वो लास्ट सीन देखा था जब वो टैप कर रहे थे ग्राउंड पे, एक रिलीफ महसूस हुआ कि फाइनली हम फाइनल जीत गए। 2013 से ICC ट्रॉफी हार रहे थे, रोहित डटे हुए थे कि देश को एक ट्रॉफी मिले और उनको मिली एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 6 पे विराट कोहली। RCB से आज तक हारते ही आए, उनको IPL का जोकर्स कहा जाता है और पिछले 10 साल से फाइनल सेमीफाइनल में हर बार खेलते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं। बट ही वॉज सेव फॉर ईयर 2024, उसमें भी एक भी मैच में उनका परफॉर्मेंस इतना टच वाला नहीं था जितनी उनसे उम्मीद होती है, बट फाइनल में ऐसा खेले कि मैन ऑफ द मैच बन गए और सही टाइम पे रिटायरमेंट लिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 7 सूर्य कुमार यादव, T20 के बेताज बादशाह किंग, बट जब खेलते हैं तो बढ़िया खेलते हैं और आउट होते तो 10 के अंदर भी आउट हो जाते हैं, फाइनल में भी आउट हो गए, बट उन्होंने अपने T20 के बेस्ट होने का मोहर लगाया बैटिंग से नहीं, सबसे बेस्ट कैच करके। उन्होंने कैच पकड़ा ना, मैच पकड़ा ना, वर्ल्ड कप पकड़ा, सो ही वॉज सेव्ड फॉर द बेस्ट फॉर द ईयर 2024 एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और बात करते हैं आखिरी में राहुल द्रविड़ की। 1996 में उनकी एंट्री हुई थी क्रिकेट में, 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे बट हार गए, 2007 में खुद कैप्टन थे बट फिर बुरी तरह से हार गए, 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें वो नहीं थे तो वर्ल्ड कप नहीं मिला, 2011 में वो वनडे का पार्ट नहीं थे और उन्होंने उसके बाद रिटायरमेंट ली, उसके बाद वो कोच बने, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाया हार गए, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हार गए, शायद अभी भी उनको और ज्यादा टफ और ज्यादा बड़ा वॉल बनना, प्लेयर में तो वो वॉल थे ही
कोच में भी शायद वो वॉल बनते जा रहे थे। और जब आखिरी दिन था उनका कोच का 2024 में, वो जीत गए। 28 साल का इंतजार, द्रविड़ ने तो मेरे को लगता है 2.0, 3.0, 7.0 तक पहुंचे होंगे। बट गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर हिम एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर, उनको भी 6 वर्ल्ड कप लगे वर्ल्ड कप हासिल करने। तो काफी बार देर होती है बट अंधेर नहीं होती। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया ने काफी वर्ल्ड कप वन साइडेड जीते हैं, बट इंडिया ने जो 4 वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें गॉड की एक अलग ही स्पिरिट रहती है। मैच हमेशा टाइट रहता है। 1983 हम 183 पे ऑल आउट हो गए थे बट वहां से बाउंस बैक किया। 2007 मिसबा ऑलमोस्ट मैच लेके गया था बट देन वी बाउंस बैक। 2011 32 पे 2 विकेट थी बट देन गंभीर और कोहली ने संभाल लिया और बाद में धोनी जो खेला हम वर्ल्ड कप जीत गए। और अब इस बार भी क्लासन मैच लेके गया था और जो बाउंस बैक किया। तो कुदरत की एक और अलग स्क्रिप्ट थी इन 7 लोगों के साथ, और टफ और टफ और टफ बन रहे थे एंड फाइनली वी वॉन द वर्ल्ड। तो जब हार आती है, संघर्ष आता है, जीत नहीं मिलती है, तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्योंकि जिसके लिए आप बन रहे हो टफ और उसके बाद जो जीत आएगी उसका नशा ही अलग होगा, उसका मजा ही अलग होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया।